जय श्रीमन्नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को सूर्य देव की बहन और ब्रह्म देव की मानस पुत्री माना जाता है। इनका नाम षष्ठी मैया है, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में छठी मैया या फिर छठी मैया भी कहते हैं। छठ पूजा में सूर्य देव के साथ में इस देवी का पूजन करते हैं और इस प्रकार से सूर्य देव और छठी मैया भाई बहन हुए। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो उन्होंने अपने शरीर के दो हिस्से किए, दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति। प्रकृति के छठे भाग से षष्ठी देवी की उत्पत्ति हुई है। इनको देवसेना भी कहा जाता है। जो व्यक्ति छठी देवी की पूजा करता है उसके मन की मुराद अवश्य ही पूरी होती है। छठ पूजा व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक राजा प्रियंवद हुए जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के काफ़ी वर्ष बीतने के बाद भी उनको कोई संतान नहीं हुई। जब उन्होंने कश्यप ऋषि से इसका समाधान पूछा तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने का सुझाव दिया। कश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप खीर खाने को दिया। इसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई, जिससे राजा प्रियंवद बड़े खुश हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह भी मृत पैदा हुआ। यह खबर सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। वे पुत्र के शव को लेकर शमशान गए और इस दुख के कारण अपने भी प्राण त्यागने का उन्होंने निश्चय कर लिया। जब वे अपने प्राण त्यागने जा रहे थे तभी देवी देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने राजा प्रेमवत से कहा कि उनका नाम षष्ठी है, हे राजन तुम मेरी पूजा करो और दूसरे लोगों को भी मेरी पूजा करने को कहो, लोगों को इसके लिए प्रेरित करो। देवी देवसेना की आज्ञा अनुसार राजा प्रियंवद ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा की और उन्होंने ये पूजा पुत्र प्राप्ति की कामना से की थी। छठी मैया के शुभ आशीर्वाद से राजा प्रियंवद को पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से हर साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठ पूजा की जाने लगी। जो व्यक्ति जिस मनोकामना के साथ में छठ पूजा का व्रत रखता है और उसे विधि विधान से पूरा करता है, छठी मैया के आशीष से उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। लोग पुत्र प्राप्ति और संतान के सुखी जीवन के लिए ये व्रत रखते हैं। छठी मैया या फिर छठी पूजा से जुड़ी हुई 5 ज़रूरी बातें आपको ज़रूर से जान लेनी चाहिए। छठ पर्व की जो शुरुआत है वो नहाए खाए से होती है। ये व्रत 4 दिनों तक चलता है और खरना के भोजन ग्रहण करने के बाद में इसकी शुरुआत होती है। किन किन देवी देवताओं की इस पूजा में पूजा की जाती है तो छठ पूजा में सूर्य देव, उनकी बहन छठी मैया, उनकी पत्नी उषा प्रत्युषा, इनकी पूजा करने की परंपरा है। तो छठी मैया कौन है? छठी मैया जो है वो ब्रह्मा जी की पुत्री हैं और इन्हें षष्ठी माता भी कहा जाता है, जो संतानों की रक्षा करने वाली देवी मानी जाती हैं। डूबते सूर्य को अर्घ आखिर क्यों दिया जाता है, इसका क्या महत्व है? छठ में डूबते और उसके बाद में उगते सूर्य को अर्घ देने का ये मतलब होता है कि जो डूबा है उसका उदय होना भी निश्चित है। यानी कि अगर आप इस समय किसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं या आपकी परिस्थिति इस समय खराब चल रही है तो वो अच्छी भी होगी, बस संयम रखने की ज़रूरत है। छठ व्रत का पारण कैसे करना है? उदयमान सूर्य को अर्घ देने के बाद में घाट पूजन करें, बड़ों का आशीर्वाद लें और फिर सूर्य देव और छठी मैया का जो भी प्रसाद आपने अर्पित किया है उसको सभी को बांटें। मान्यताओं के अनुसार कई जगह सूर्य उपासना के बाद लोग घर लौटकर पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। छठ का व्रत खोलते वक्त सबसे पहले पूजा में चढ़ाया गया प्रसाद जैसे कि ठेकुआ, मिठाई, ये सब ग्रहण करें, फिर कच्चा दूध पिए। कहते हैं कि भोग खाने के बाद ही व्रत पूरा माना जाता है। नहाए खाए के बाद नमक युक्त भोजन का त्याग किया जाता है और खरना के पश्चात 36 घंटे का निर्जल व्रत शुरू होता है। इसलिए गलती से भी तला या ज़्यादा मसालेदार भोजन का व्रत ना खोलें, इससे सेहत बिगड़ सकती है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री मन्नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा।